एक बात बताइए भंडारी सर कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की रचना करी, इस देश को बहुजन मूवमेंट्स को एक ताकत दी, एक नई एनर्जी दी, लेकिन एक बात में जो अपने भगवानों की बात करते हैं, आप बौद्ध की बात करते हैं, तो मुझे हमारे चैनल पे आप ये जरूर बताएं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म क्यों अपनाया। देखिए संसार में अभी सब लोग बहुत बड़ा विषय है ये, संसार में जो अच्छे विद्वान हैं जी, और उन अच्छे विद्वानों में से बाबा साहब का नाम आता है जी। स्टूडेंट में जितने भी वर्ल्ड के स्टूडेंट हैं जी, ले फॉरेन यूनिवर्सिटी के ले लीजिए, कहीं के ले लीजिए, उन स्टूडेंटों में भी बाबा साहब का नाम सर्वोपरि आता है जी। बाबा साहब की सबसे बड़ी ये खूबी रही है कि उन्होंने कोई धर्म ऐसा नहीं छोड़ा जिन्होंने उसका अध्ययन ना किया हो जी। बाबा साहब ने सब धर्म पढ़े जी, इतिहास भी पढ़ा जी, अंत में उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला कि हम जो हैं श्रवण संस्कृति के मानने वाले सभी शूद्र और ओबीसी वगैरह जो हैं सारे हैं जी। ये ओबीसी और शूद्र जो हम आप कहते हैं, ओबीसी और एससी एसटी बैकवर्ड जो कहते हैं हम सब लोग, सब एक ही कड़ी के लोग हैं जी। अब चाहे तो कोई शूद्रों में चाहे तो गोस्वामी हो जी, चाहे कोई और कास्ट का हो, धोबी हो, नाई हो, जुलाया हो, सब ये बैकवर्ड है, शूद्र है, सब शूद्र कैटेगरी में आते हैं जी। तो बाबा साहब ने उसको पढ़ा बौद्ध धर्म को जी, और पढ़ने का ये निष्कर्ष निकला कि हमारा जो मूल निवासियों का जो धर्म है, संस्कृति है, वो श्रवण संस्कृति है जी। भगवान बुद्ध से पहले जी, भारत में श्रवण संस्कृति के पोषक 27 बुद्ध और हुए हैं जी, 27 बुद्ध और हुए हैं इनसे पहले भगवान बुद्ध से जी। भगवान बुद्ध सम्यक संबुद्ध है, सम्यक संबुद्ध है, और वो बुद्ध है, वो पहले बुद्ध हुए हैं, उन्होंने भी श्रवण संस्कृति पोषक थे और उन्होंने भी श्रवण संस्कृति का जी, विकास किया जी। तो बाबा साहब ने देखा भाई ये तो हमारा मूल्यवासी है, हम तो मूल्यवासी है, और हमारा तो पुराना धर्म है, और पुराना धर्म भगवान बुद्ध के बाद सब बुद्ध धर्म, बुद्ध धर्म कहने लगे, क्यों? बुद्ध का धर्म है, पहले वो श्रवण संस्कृति थी, बात सबकी एक ही है, साधारण सबका फॉर्मूला साधारणता सब एक है, वो भी वैज्ञानिक थे और आज भी वैज्ञानिक है, सब वही वैज्ञानिक, बौद्ध धर्म वैज्ञानिक है, इसलिए बाबा साहब ने सबको छोड़कर ये बौद्ध धर्म का स्वीकार किया, नंबर एक बात। दूसरी बात यह है कि बाबा साहब ने सारे धर्म पढ़े, उसमें सबसे पहले ईश्वर की बात आती है, चाहे तो मॉडर्न धर्म ले लीजिए, चाहे ईसाई धर्म ले लीजिए, और चाहे कहीं ले कोई सा हिंदू धर्म ले लीजिए, सब में ईश्वर की बात आती है जी। और जब ईश्वर की बात आएगी तो ईश्वर का मतलब तो ये हो गया भैया छोटा बड़ा वर्ण व्यवस्था को लागू करने वाला है जी। जब ईश्वर है, एक महिला के साथ बलात्कार हो रहा है जी, एक का मर्डर हो रहा है, एक का चोरी डकैती पड़ रही है, और सिर्फ ये कहते हैं कि भाई ईश्वर के बिना पत्ता नहीं हिलता, सब जगह ईश्वर है, दल हर पत्ते में ईश्वर है, और हम लड़की का बलात्कार हो रहा है, कई मर्डर हो रहे हैं, कई केस हो रहे हैं, इसका मतलब यह है कि ईश्वर इनको देख रहा है लेकिन उसको दंड नहीं दे रहा जी। तो बाबा साहब ने, भगवान बुद्ध ने भी ये कहा था कि ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए बाबा साहब ने उनकी बात को माना कि अगर ईश्वर है तो जाति भेद है, और जाति भेद है वर्ण व्यवस्था है, जाति भेद है, और जाति भेद है तो असमानता है, तो इसलिए बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को माना। भंडारी जी एक बात बताइए, आपके कहने के हिसाब से तो हमारे जो पूर्वज हैं वो बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे, श्रवण संस्कृति को फॉलो करते थे, मैं बताया नहीं आपको जी, जी। हमारे जो है लोग भगवान तथागत बुद्ध से पहले श्रवण संस्कृति के पोषक थे जी। जब ये जम्बूद्वीप था जी, जब भारतवर्ष तो बाद में बना, जम्बूद्वीप था, हमें समानता थी यहाँ पे, और यहाँ पे मूल निवासी हैं, मूल निवासी श्रवण संस्कृति के पोषक थे जी।